हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा हमारा आज का टॉपिक है, आर्मी स्कूल में आई ढेरों वैकेंसीज, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें डेट, सिलेबस, मीडियम, एज रिक्वायरमेंट, पेमेंट, इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एवरीथिंग। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमारे आर्मी स्कूल में 8000 वैकेंसीज आई है, PRT, TGT, PGT, बट ये ऑल इंडिया है और ये सिर्फ फॉलो करता है आपके इस इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, क्योंकि पेपर पूरे इंग्लिश मीडियम में आते हैं और ये स्कूल जो आता है हमारा आर्मी वेलफेयर के अंडर में आता है, तो ये इसलिए इसका आर्मी पब्लिक स्कूल है, पर ये प्राइवेट सेक्टर से बहुत ही बढ़िया स्कूल है। और अब मैं बात करूँ रिक्वायरमेंट की, तो इसमें आपको PGT अगर आप लेवल भरते हो तो आपको BEd चाहिए और ग्रेजुएशन में 50% चाहिए है आपका। TGT सेम है, PRT में भी BEd और 2 ईयर्स का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन 50 मार्क्स। तो अब मैं बात करती हूँ उसमें एज लिमिट की। एज लिमिट आपके जो आप फ्रेशियर हों तो आपको 40 बिलो 40 ईयर्स है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंसड है 10 ईयर्स का तो इसके लिए आप 57 ईयर्स तक एलिजिबल हैं, और इसमें आप बिना CTET के भी आप ये भर सकते हैं। सेकेंड है मेरा कि सिलेक्शन प्रोसेसर कैसा है, तो इसमें सिलेक्शन आपको जब आप अपना टेस्ट, ये जो ऑनलाइन टेस्ट आप फॉर्म भरेंगे वो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपका होगा एक इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में आपको पास होना है और आपके इंटरव्यू और प्लस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जज किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है पेमेंट। पेमेंट है आपका पर टेस्ट के लिए 500 रुपीज़, तो आप दोनों भरना चाहते हैं तो फिर 1000 रुपीज़ है। तो अब इसके बाद अगर मैं बात करूं डेट, तो डेट है आपकी 1 अक्टूबर को ये फॉर्म निकला हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। तो आप इसके वेबसाइट में जाके आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी कंप्यूटर कैफ़े में जाके इसे फिल कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं बताती हूँ सिलेबस। सिलेबस इसमें माने जो हमारा पार्ट ए का है जो PRT के लिए है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी जो है ये टॉपिक मैंने आपको दे दिया है, आप देख लीजिएगा। और ये मैं पार्ट बी माने जो हमारे PGT और TGT के लिए है, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। जो पार्ट ए है सिमिलर जो हमारा PRT के लिए वो है, और पार्ट बी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपके 90 मार्क्स के आएंगे। तो ये हो गई सिलेबस की बात, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा, और इसमें हमें CTET की अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये आप विदाउट CTET भी भर सकते हैं, पर BEd इज़ अ मोस्ट। ओके, तो ऑल द बेस्ट।